तो भाइयों आज हमारे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर का 2024 मॉडल, बाकी इसका न्यू मॉडल अभी तक नहीं आया है, पॉसिबली वो अगले साल तक ही आ पाएगा, बट इस साल जो है ये मॉडल कंटिन्यू रहने वाला है। न्यू मॉडल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस के बारे में, क्या क्या फीचर इस कार के अंदर में देखने को मिल जाते हैं, कैसे कार के एक्सटीरियर लुक एंड इंटीरियर लुक रहने वाले हैं, तो ओवरऑल कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस कार का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर मॉडल के प्राइस के बारे में बता दूं, तो इस कार के प्राइस है 33.43 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस, बाकी ये कार आपको ऑन रोड आते आते 39 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी कार काफी ज्यादा मस्कुलर रहने वाली है, पावरफुल कार रहने वाली है। मेनली अभी बात कर लेते हैं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर मिलता है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 2.8 लीटर का डीजल इंजन भी इस कार के अंदर मिल जाता है, जो कि 201 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 500 nm का टॉर्क जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम भी है। डीजल इंजन इस कार का ज्यादा पावरफुल है एंड पेट्रोल इंजन थोड़ा कम पावरफुल है। बाकी ये कार 4x4 के ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल रहने वाली है, बट ये पर्टिकुलर मॉडल जो आप देख रहे हैं ये है इसका 4x2 वाला वेरिएंट, क्योंकि ये बेसिक वाला वेरिएंट रहने वाला है। माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल में ये कार हमें 11 से 12 का माइलेज देती है एंड डीजल के अंदर ये कार हमें 15 तक का माइलेज भी इजीली निकाल कर दे देती है। तो माइलेज काफी अच्छा है इस कार का। अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो इसके साइज के अकॉर्डिंग इसका माइलेज जो है परफेक्ट है एकदम। इस कार के अंदर हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ साथ पैडल शिफ्टर के ऑप्शन भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं एंड ये कार 6-स्पीड गियरबॉक्स के मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल जरूर रहने वाली है। ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है, बट मैनुअल वाला आपको काफी सस्ता देखने को मिल जाएगा। बाकी कार काफी ज्यादा लंबी है, 4795 mm की इसकी लंबाई रहने वाली है। कार का व्हील बेस भी अच्छा खासा है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है। व्हील बेस अच्छा खासा होने के कारण इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस भी बन जाता है। 2745 mm का इसका व्हील बेस भी रहने वाला है। बाकी बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 220 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, जो कि इस कार के हिसाब से काफी ज्यादा ह्यूज है एंड कार भी कम नहीं है, कार भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज लगती है एंड साइज भी काफी कार का बड़ा है। बाकी गाइस ओवरऑल कार की रोड प्रेजेंस भी अलग ही निकल कर आती है, बहुत ही ज्यादा तकड़ी इसकी रोड प्रेजेंस रहने वाली है। बाकी इसका फ्रंट लुक एक्सटीरियर से देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। जब ये वाली गाड़ी रोड पर चलेगी तो इस कार की रोड प्रेजेंस अलग ही निकल कर आएगी। लोग बाग IRVM में भी अगर इस कार का फ्रंट लुक देख लेते हैं तो पहचान जाते हैं कि भाई गाड़ी कौन सी आ रही है एंड जज कर लेते हैं कि भाई अंदर कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा आदमी ही बैठा होगा। एंड इवन इसका बेस मॉडल भी लगता नहीं है बिल्कुल भी कि बेस मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर वही क्रोम गार्निशिंग का यूज किया गया है जो टॉप मॉडल में है एंड बिल्कुल भी भरमाट नहीं लगा दी है। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक के बारे में बात करेंगे अभी, तो फ्रंट की साइड आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद LED DRLs के साथ ही, और ये कम्प्लीटली कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ही रहने वाले हैं हेडलैम्प्स एंड ये इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा स्लीक में रहने वाला है। बाकी नीचे की साइड ये हनीकॉम्ब स्टाइल में ये ग्रिल टाइप की मिल जाती है साइड ग्रिल एंड फॉग लैम्प की प्लेसिंग भी आपको इसके अंदर ही मिल जाती है एंड पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर। नीचे की साइड आपको LED DRLs मिल जाते हैं विद मल्टी फंक्शन के साथ, इंडिकेटर की प्लेसिंग भी यहीं पर ही है। बाकी इसकी फ्रंट ग्रिल एंड ये क्रोम गार्निशिंग जो रहने वाली है इस कार के फ्रंट लुक को और भी ज्यादा एनहांस करती है। बाकी पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ इसकी फ्रंट ग्रिल रहने वाली है, टोयोटा का बड़ा वाला लोगो मिल जाता है एंड नीचे की साइड आपको बड़ी सी स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की, जो कि इस कार के लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करती है एंड ये ब्लैक एंड क्रोम की फिनिशिंग के साथ जो है काफी ज्यादा सुंदर लगने वाली है। बाकी कार की बोनट की स्टाइलिंग भी काफी ज्यादा स्टाइलिश रहने वाली है एंड ओवरऑल फ्रंट लुक कार के कुछ इस टाइप के आने वाले हैं। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के साइड लुक के बारे में, तो साइड लुक कार के काफी ज्यादा स्टाइलिश रहने वाले हैं एंड काफी ज्यादा ह्यूज कार ये रहने वाली है, एक फ्रेम में भी ये फिट नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंबाई इसकी काफी ज्यादा है इस कार की एंड ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, इसलिए इंडियन रोड्स के हिसाब से काफी परफेक्ट है। बात कर लेते हैं इस कार के टायर के बारे में, तो यहाँ पर 17 inches के क्रोम वाले टायर मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑल फोर डिस्क ब्रेक रहने वाले हैं एंड अलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। हाई प्रोफाइल टायर है इस कार के अंदर। बाकी कोई भी फेंडर पर इंडिकेटर नहीं है, ORVM पर हमें इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फिनिशिंग के साथ ये रहने वाला है बॉडी कलर के साथ ही एंड कोई भी कैमरा वगैरह साइड कैमरा की प्लेसिंग नहीं है। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ही। बाकी बी एंड सी पिलर इसका ब्लैकड आउट रहने वाला है कंप्लीट। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो कि सिल्वर कलर की ये रहने वाली हैं एंड ओवरऑल साइड लुक इस कार के कुछ टाइप के आने वाले हैं, काफी ज्यादा स्टाइलिश से इसके साइड लुक हैं एंड इधर की साइड बीच में आपको क्रोम लाइनिंग्स मिल जाती हैं ये। बाकी ये भी बात कर लेते हैं कार के रियर लुक के बारे में। पीछे की साइड सबसे पहले ऊपर की साइड तो आपको ये स्पोर्टी अरसा व्हाइट कलर का स्पॉयलर मिल जाता है बॉडी कलर में ही विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के साथ ही LED में लाइट रहने वाली है। ऊपर की साइड शार्फिन एंटीना मिल जाता है व्हाइट कलर का ही बॉडी कलर
100 में ही ओवरऑल रहने वाला है। एंड ओवरऑल रेयर लुक कुछ इस टाइप के निकल कर आते हैं। पीछे की साइड से भी काफी ज्यादा ह्यूज रहने वाली है ये। क्रोम वर्किंग भी देखने को मिल जाती है बीच की साइड। एंड बात करूं इसके ब्रेकिंग लाइट सेटअप के बारे में, तो ऑल एलईडी सेटअप यहाँ पर रहने वाला है रेयर की साइड। इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पर है एंड ब्रेकिंग लाइट आपको इस जगह पर देखने को मिल जाती है, काफी शार्प तरीके की तरह दी गई है। बाकी रिवर्स पार्किंग लैंप भी यहीं पर ही है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है बड़ी बड़ी लिखी हुई है क्रोम लाइनिंग के साथ ही। बाकी नीचे की साइड का जो बम्पर है वो भी स्टाइलिंग के साथ दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ ही, जो कि कम्प्लीटली फंक्शनिंग में रहने वाले हैं। और स्पेयर व्हील इसका जो है नीचे रहने वाला है प्रॉपर एसयूवी के अंदर जो रहता है। एंड ये स्टील रिम में रहने वाला है ऑफ कोर्स। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर जो है प्रॉपर मिल जाते हैं सभी कुछ यहाँ पर। बेसिक फीचर तो यहाँ पर सभी कुछ रहने वाले हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का बटन मिल जाता है, एक बटन को प्रेस करते ही ये जो है पूरा ओपन हो जाता है। लेग स्वाइप वाला फीचर जो है वो लेजेंडर में आता है, बट यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है। और यहाँ पर पीछे की साइड काफी ज्यादा स्पेस बन जाता है एंड सीट को आप पूरी तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं एंड फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड सीट को जो ऊपर की साइड ये स्टक हो जाती है इस तरीके से। ऊपर की साइड ये लैंप मिल जाता है हैलोजन के साथ ही एंड हुक वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं यहाँ पर। एंड ये दोनों ही साइड रहने वाले हैं। एंड आगे वाली सीट को भी फोल्ड करके आप प्रॉपर पूरा बेड बना सकते हैं एंड काफी अच्छा सारा बूट स्पेस भी बन जाता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आप लेट के भी जा सकते हैं बेड वगैरह डाल के। बाकी ऊपर की साइड ये बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप इसे बंद भी कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिकली ही ये पूरा बंद भी हो जाता है, जो कि एक काफी बढ़िया फीचर है। आपके हाथ में सामान वगैरह है तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये फीचर। बाकी मेनली इसके इंटीरियर एंड अदर फीचर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इसकी चाबी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक एंड बूट एक्सेस का बटन मिल जाता है। पीछे की साइड फॉर्च्यूनर का डिजाइन बन रहा है। और अभी चलते हैं इसके इंटीरियर की साइड एंड बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। गेट पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं ऑफ कोर्स दोनों ही साइड, पैसेंजर साइड भी। एंड डोर के ऊपर ये सॉफ्ट टचिंग मटेरियल देखने को मिल जाता है, स्ट्रिचिंग मिल जाती है लेदरेट काइंड ऑफ। और यहाँ पर ऊपर की साइड ये क्रोम लाइनिंग सिल्वर सटन फिनिशिंग का भी यूज किया गया है बेसिकली। एंड बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर प्रॉपर मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है, चारों यहाँ पर ऑटोमेटिक में रहने वाली है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक एंड ORVM के कंट्रोल एंड इलेक्ट्रोकनिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एंड ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ ये रहने वाले हैं ऑफ कोर्स। बाकी डोर की साइड ये सिल्प्लेट काइंड ऑफ मिल जाती है ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। एंड ये स्टेप रहने वाला है, इसके ऊपर आप पैर रख के जा सकते हैं। सीट के बारे में बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स रहने वाली हैं कम्प्लीटली, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के साथ रहने वाली है, हाइट एडजस्टेबल सीट रहने वाली है कम्प्लीटली। बाकी सीट्स यहाँ पर काफी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अंडर थाई सपोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बाकी अभी अंदर बैठेंगे क्योंकि हाइट ऊंची है इसकी कार की, तो यहाँ पर साइड स्टेप पर पैर रख के इस तरीके से आप बैठ सकते हैं इजीली। अभी इसकी चाबी को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, पूरा प्रॉपर प्लेस दिया हुआ है चाबी के लिए। एंड अभी इसको कर लेते हैं बंद, गेट को कर लेते हैं बंद। एंड बात करेंगे अभी इसके ओवरऑल इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिएगा, मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल में है एंड काफ़ी बढ़िया वाली फील आने वाली है। लेदरेट स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है स्ट्रिचिंग के साथ व्हाइट कलर की। एंड इधर की साइड आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पर ये पार्क असिस्ट का बटन है पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ करने का। यहाँ पर टेल गेट का बटन है एंड यहाँ पर इंजन प्योरिफिकेशन का एंड हुड वगैरह ओपन करने का। बाकी इधर की साइड देखते हैं तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कॉल कट एंड रिसीव। बाकी मस्कुलर सा इसका स्टीयरिंग व्हील दिया गया है सिल्वर सैटन फिनिशिंग के साथ एंड ये वुडन फिनिशिंग भी दी गई है यहाँ पर। बाकी इधर की साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल के बटन इसके नीचे की साइड दिए हुए हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बाकी कार के अंदर हमें जो है ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं इस वाले गेट पर एंड AC वेंट वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी डैशबोर्ड लेआउट कुछ टाइप का है एंड यहाँ पर डिजिटल वॉच मिल जाती है ऊपर की साइड, ये इमरजेंसी का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप सेट वेट कर सकते हैं इसको एंड एयर फ्लो मतलब AC की फ्लो को आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये ओवरऑल कंसोल इसका कुछ इस टाइप का ही रहने वाला है। यहाँ पर आपको AC वेंट जो मिलती है इनकी काफ़ी अच्छी थ्रो मिल जाती है एंड AC की क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी पावरफुल AC है इस कार का। और ऊपर की साइड आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है, यहाँ तक फॉलो होते हुए देखने को मिल जाता है विद लेदरेट स्ट्रिचिंग के साथ, ये काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर आपको डुअल जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। एंड अभी बात कर लेता हूँ कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8 इंच का स्मार्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, ये कम्प्लीटली टच स्क्रीन में रहने वाली है एंड साइड बाय साइड ये बटन भी दिए गए हैं। बाकी इसका लेआउट तो कम्प्लीटली काफी ज्यादा ओल्ड रहने वाला है, बट ये लैग फ्री है, लैग वगैरह नहीं होती है। एंड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं इसी के अंदर। 6 स्पीकर ओवरऑल कार के अंदर जो है रहने वाले हैं। वॉइस कमांड के फीचर भी यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं।
बाकी यहाँ पर आपको एसी की इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो जाती है इस छोटी सी स्क्रीन के ऊपर ही। एयर फ्लो वगैरह को आप सभी कुछ यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इधर की साइड आपको वेंटिलेटर सीट को एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप वेंटिलेटर सीट को ओपन कर सकते हैं दोनों ही फ्रंट सीट के लिए। एंड एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। यूएसबी सॉकेट मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको पावर सॉकेट भी मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट रहने वाला है यहाँ पर। एंड ये पैड वगैरह दिया है, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं इसके ऊपर आप, फ़ोन वगैरह आ जाएगा। कोई भी वायरलेस चार्जिंग इस मॉडल के अंदर नहीं आता है, लेजेंडर के अंदर आता है वो। एंड यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है ऑफकोर्स। एंड ये ऑटोमेटिक के साथ भी अवेलेबल जरूर रहने वाली है। एंड यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइविंग मोड्स, नॉर्मल मोड, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल IMT के फीचर मिल जाते हैं यहाँ पर ही। IMT के बारे में तो आपको पता ही होगा, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर जो है इस कार में मस्ट हो जाता है। बाकी इसका स्टीयरिंग व्हील भी जो है एडजस्टमेंट के साथ आता है, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ रहने वाला है। बाकी इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है। एंड ये दिखने में भी काफी मस्कुलर वाली फील ही देने वाला है। इधर की साइड आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है आर्म रेस्ट के ऊपर ही, एंड ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है बाय द वे। अंदर की साइड ये स्पेस मिल जाता है, डिसेंट स्पेस है, नॉर्मली स्पेस ही है, कूल्ड स्पेस नहीं है ये। और यहाँ पर आपको दो दो ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, ये कूल्ड स्पेस में रहने वाला है ये वाला। एंड इसके ऊपर सॉफ्ट टचिंग मटेरियल भी लगाया हुआ है। ये फॉर्च्यूनर की बैजिंग काफी प्रीमियम लगती है। एंड ये साइडों में भी स्टिचिंग का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है कुछ डिसेंट स्पेस के साथ ही, तो मतलब स्पीशियस तो है गाड़ी, तो स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। ये साइड वाले लेदर स्टिचिंग काफी प्रीमियम लगती है। बाकी सीट्स के बारे में बात करूं तो सीट्स यहाँ पर जो है बिल्कुल काइंड ऑफ बकेट सीट जैसी ही रहने वाली है। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन तो मिलते हैं ये कार के अंदर। बाकी अंडर थाई सपोर्ट एंड लंबार सपोर्ट वगैरह काफी अच्छा रहने वाला है इस कार का। हाइट तो है ही इस कार के अंदर अच्छी। यहाँ पर आपको लैंप मिल जाते हैं LED के अंदर ही। एंड यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं। IRV हमें आपको कम्प्लीटली ऑटोमेटिक में ही मिलने वाला है, ऑटोमेटिक डिमिनिशिंग मोड के साथ ही। फ्रंट सीट पर आपको मिरर मिल जाता है विद लैंप के साथ ही, प्रॉपर दिया गया है। एंड इधर की साइड भी आपको लैंप मिल जाता है विद मिरर यहाँ पर। बाकी ऊपर की साइड कोई सनरूफ वगैरह तो होती नहीं है इस गाड़ी में। बाकी अभी इसके फ्रंट साइड तो ये था, अभी बात करेंगे इसके रियर साइड के कंफर्ट के बारे में। तो डोर पीछे की साइड भी यहाँ पर सेम ही मिलने वाले हैं, सॉफ्ट टचिंग मटेरियल यहाँ पर भी यूज किया गया है। एंड इधर की साइड फॉर्च्यूनर की बैजिंग। एंड यहाँ पर भी आपको पडल लैंप का फीचर मिल जाता है। इधर की साइड बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड स्पीकर की प्लेसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 स्पीकर हैं गाड़ी के अंदर। पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम डोर हैंडल्स एंड सभी कुछ मिल जाता है यहाँ पर। सिल प्लेट के ऊपर ये मतलब स्टेप साइड स्टेप के ऊपर जो पैर रख के आप इसके अंदर बैठ जाएंगे, जो कि अंदर बैठना भी काफी ईजी है, बट कार थोड़ी ऊंची है। बाकी पीछे की साइड ये आर्म रेस्ट मिल जाती है यहाँ पर। आर्म रेस्ट के ऊपर ये काफ़ी स्ट्रगल करना होगा क्योंकि 60-40 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ सीट मिलती हैं। एंड इधर की साइड आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है। एंड इसके अंदर आपको कप होल्डर्स कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम ओपनिंग के साथ ये रहने वाले हैं। ऊपर की साइड आपको AC वेंट मिल जाते हैं पिछले वाले। एंड यहाँ पर डुअल जोन में क्लाइमेट कंट्रोल है, तो इसलिए पीछे की साइड कंट्रोल प्रॉपर मिलने वाले हैं। लैंप वगैरह LED में मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी ये छोटी सी स्क्रीन के ऊपर भी सभी कुछ शो हो जाता है। AC वेंट को आप यहीं से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हैंडल्स मिल जाते हैं वे 2 kg के प्रॉपर हुक के साथ ही। एंड दूसरी साइड भी आपको हैंडल्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं तीनों ही पैसेंजर के लिए। बाकी कार का कंफर्ट जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, पीछे कंफर्ट जो है अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा बच रहा है। एंड नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, ये पॉकेट वगैरह मिल जाती है सीट पॉकेट। बाकी अंडर थाई सपोर्ट तो है ही अच्छा इस कार का, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हेड रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी जब आप इसके अंदर बैठेंगे पीछे की साइड तो कुछ टाइप का फील आने वाली है। और इधर की साइड आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाती है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पीछे की साइड का जो स्पेस रहने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बच जाता है। सीट को अभी हमने जो है सीट ऊपर को लगाई हुई है, बाकी इसकी सीट को नीचे लगा के आप 2 इजीली बैठा सकते हैं। पीछे की साइड भी रेयर AC वेंट मिल जाते हैं। बाकी पीछे का लेग रूम वगैरह तो कम ही रहने वाला है, बट बड़ा आदमी के लिए तो स्पेस कम है। बाकी सेफ्टी के मामले में तो इस कार ने ऑलरेडी 5 की रेटिंग जो है अचीव की हुई है, तो काफी ज्यादा बिल्ड स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है इस कार का। एंड सेफ्टी के मामले में भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 35-40 lakh के बजट के बीच में, तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एंड अगर आप भी फॉर्च्यूनर को लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड फॉर्च्यूनर को लेने के बारे में सोच रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड अभी आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि फॉर्च्यूनर कार आपको कैसी लगती है। बाकी गाइस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।